वीडियो कंटिन्यू करते हैं हिंदी ग्रामर के साथ क्लास टू के लिए है और आज का टॉपिक है लिंग और इंग्लिश में से क्या कहते हैं जेंडर कहते हैं ओके तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपको लगता है कि मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसको कंटिन्यू करते हैं ओके तो हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक लिंग और इंग्लिश में से कहते हैं जेंडर। तो लिंग कहते किसको है वह शब्द जिससे हमें ये पता चलता है कि पुरुष है अथवा स्त्री है। ठीक है, जिस शब्द से स्त्री और पुरुष होने का पता चलता है उसको लिंग कहा जाता है। जैसे कि लड़का, लड़का शब्द से पता चलता है कि ये पुरुष है ओके, और लड़की शब्द से पता चलता है कि ये स्त्री है। तो जो पुरुष होता है उसे पुल्लिंग कहा जाता है और जो लड़की होने का स्त्री होने का बोध होता है उसको स्त्रीलिंग कहते हैं ओके। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ पुल्लिंग के एग्जांपल्स दिए हुए हैं, कुछ स्त्रीलिंग ओके। पुल्लिंग में है भाई, भाई हम कहते हैं तो उससे किस चीज का बोध होता है कि हाँ वो पुरुष है, और बहन कहने से स्त्री होने का बोध होता है तो भाई का स्त्रीलिंग क्या होगा बहन ओके। भाई पुल्लिंग शब्द है और बहन स्त्रीलिंग शब्द है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई का पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा तो आप क्या कहोगे भाई का बहन ओके। पुल्लिंग दादा, दादा पुल्लिंग है और दादी स्त्रीलिंग है। दादा से क्या बोध होता है कि वो पुरुष है और दादी से पता चलता है कि वो स्त्री है ओके। तो दादा पुल्लिंग और दादा का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा दादी ठीक है। भाई पुल्लिंग, भाई का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा बहन। बैल, बैल पुरुष में आता है पुल्लिंग और इसका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा गाय। मोर पुल्लिंग और मोर का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा मोरनी ओके। हम इसको एक बार रिवाइज करते हैं, भाई बहन ओके, भाई का स्त्रीलिंग शब्द बहन, बहन का पुल्लिंग शब्द भाई ओके। अगर आपको कहा जाता है कि स्त्रीलिंग से पुल्लिंग लिखिए या फिर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग लिखिए, मान लीजिए आपको भाई लिखा हुआ है तो आपको स्त्रीलिंग शब्द बहन लिखना है, और अगर आपको स्त्रीलिंग शब्द बहन लिखा हुआ है तो आपको पुल्लिंग शब्द भाई लिखना है ओके। तो भाई बहन, दादा दादी, बैल गाय, मोर मोरनी ओके, मोर मोरनी। नेक्स्ट है शेर शेरनी, मुर्गा मुर्गी, पिता माता ओके। शेर पुल्लिंग है, शेरनी स्त्रीलिंग है, मुर्गा पुल्लिंग शब्द है, मुर्गी स्त्रीलिंग शब्द है, पिता पुल्लिंग शब्द है और माता स्त्रीलिंग शब्द है ओके। लिंग के भेद, लिंग कितने तरह के होते हैं जो लिंग है वो दो तरह के होते हैं ठीक है। लिंग के दो भेद होते हैं, लिंग के कितने भेद होते हैं, लिंग के दो भेद होते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग ओके। लिंग, लिंग के दो भेद है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, इधर पुल्लिंग शब्द लिखे हुए हैं और इधर स्त्रीलिंग शब्द लिखे हैं ओके। तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं, बेटा बेटी, चाचा चाची ओके। जिस शब्द से हमें ये पता चल रहा है कि ये पुरुष है तो वो पुल्लिंग हो जाएगा, और जिस शब्द से हमें ये पता चल रहा है कि वो स्त्री है तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। बेटा बेटी, चाचा चाची, भैया भाभी, माली मालिन, धोबी धोबिन, शिक्षक शिक्षिका, चूहा चूहिया ओके। नेक्स्ट नाना नानी, मामा मामी, मौसा मौसी, छात्र छात्रा, नौकर नौकरानी, हिरण हिरनी, जादूगर जादूगरनी ओके। और आज का वीडियो है हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो क्वेश्चन आंसर है ना उसको कंप्लीट करेंगे ओके। इसको हम दो पार्ट में कर लेंगे, आज का जो रीडिंग एंड लर्निंग पार्ट है वो पार्ट वन हो जाएगा और नेक्स्ट में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ये पार्ट टू हो जाएगा ओके ओके। तो हम वीडियो स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।